बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, आज हम ये लेयर जो है, मुख्तलिफ लेयर जो है, उनको ऊपर नीचे कैसे किया जाता है, ये हम आज देखेंगे। हम तीन चार लेयर्स इधर खोलते हैं, फिर उनको चेक करेंगे कैसे कैसे ऊपर करना है और नीचे करना है। सबसे पहले हम वैसे ही एक न्यू पेज खोल लेते हैं। ये न्यू पेज खोल लिया हमने एक, इसको कलर दे देते हैं। ये इसको कलर दे दिया, इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। ये वैसे खोला था कि ज़रा आपको समझाने में आसानी हो। ये एक पेज हमने खोल लिया। अब हम लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की लेयर, दो तीन लेयर हम लेते हैं। एक ये ले जाते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक कोई और ले जाते हैं। तीन लेयर्स हम लेंगे, एक ये ले जाते हैं। ये तीन हमने ले लिए हैं, तीन लेयर्स हैं हमारे पास। अब तीनों हम इसके ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए, एक दो और ये तीन। ये तीन हमारे पास लेयर आ गए हैं मुख्तलिफ किस्म की। इनको हम देखेंगे फ्रंट बैक, फ्रंट बैक किस तरह हमने लाना है। कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम है। आप इसको देखें, सबसे पहले तो हम इसको कोई इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और F7 दबाएंगे तो ये लेयर आ जाएगी। इसको थोड़ा सा को बैक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि कुछ समझने में हमें आसानी हो। इसको हम लगा देते हैं एक येलो कलर का बॉर्डर ताकि समझने में आसानी हो, और कोई मकसद नहीं है, ताकि थोड़ी समझने में आसानी हो। इसको भी लगा देते हैं को बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ से लगता है। देखें यहाँ से, ये है स्टोक, ये स्टोक, और यहाँ से इसका कलर तब्दील किया जा सकता है। ये कलर है, इसको भी हम सफ़ेद से ले डाल देते हैं। यहाँ से इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ गया। अब तीसरी लेयर को लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको भी उसी तरह एक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये है स्टोक और स्टोक, और यहाँ से हम कलर इसको दे देते हैं ब्लैक, ये ब्लैक कलर। ये इसको आ गया स्टोक, इसको भी लग गया। ये देखें, ये तीनों को स्टोक लग चुका है। अब ये हमारे पास तीन लेयर्स हैं, एक दो और ये तीन। ज़रा व्यू बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में ज़रा आसानी हो। ये देखें, ये तीन लेयर, ओहो, ये एक, ये दो और ये तीन। ये सबसे पहले रखिए ये नीचे। अब ये इसके ऐसे आगे सेटिंग, एक दो और ये। अब इनको हमने ऊपर नीचे कैसे करना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं लेयर में। ये देखें लेयर, लेयर को सिलेक्ट करें और आप आ जाए नीचे। अरेंज में, ये देखें अरेंज, ये देखें अरेंज, ये अरेंज में आ गए। ये अब ये तीनों चीज़ें, ये चार। अब मैं वापस जाता हूँ, उसको बंद करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल और ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट इसकी करता हूँ। ये देखें, कंट्रोल के साथ मैं इसको कर रहा हूँ। ये ऊपर आ जाती है, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पर, अब ये नीचे घुसी हुई है। इसको ऊपर लाने के लिए ये, ठीक है जी। इससे हम लेयर्स को ऊपर और नीचे बड़ी आसानी से ला सकते हैं।
कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें वो सबसे पीछे है, सबसे ऊपर ये है, फिर ये है और फिर ये है। अब तीसरी को हम सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के दबाते हैं। ये देखें कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ये सबसे ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे रखते हैं, ये देखें कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल को दबा के ये दोनों ब्रैकेट्स हैं जो, ये दोनों ब्रैकेट्स इनको दबाने से ये इस तरह ऊपर आ जाती है, नीचे आ जाती है। बड़ा आसान काम है। ये देखें, ये देखें वो सबसे पीछे चली गई, सबसे ऊपर आ गई। ये देखें ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर आ गई कंट्रोल शिफ्ट दबाने से। ये देखें बड़े ब्रैकेट हैं, ये दोनों काम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, सबसे पीछे चली जाती है। सिर्फ कंट्रोल के साथ करते हो तो एक दफ़ा आती है। ये देखें अगर साथ शिफ्ट दबाऊंगा तो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। ये देखें अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके साथ देखें क्या होता है। कंट्रोल के साथ पहले करता हूँ, ये वाले जो लेयर है सिर्फ कंट्रोल के साथ ही, देखें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बार पीछे जाती है। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ जाते हैं, वो सबसे पीछे चली गई है। ये देखें सबसे नीचे चली गई है। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट के साथ बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, दोनों के ऊपर। अगर सिर्फ कंट्रोल के साथ सिर्फ एक के ऊपर आएगी। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखें ये देखें अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ ये ऊपर आती है, साथ शिफ्ट भी बताऊँ बिल्कुल पीछे चली जाएगी। ये देखें मुझे कल इसमें बड़ी मुश्किल थी लेकिन कल मैंने सीखा और मेरा मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। मैंने कहा था कि जो मेरे जैसा बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। इस तरह लेयर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।